सोलन की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी के मंदिर में दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त दुर्गा अष्टमी के अवसर पर माता के अष्टम स्वरूप महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। वहीं सोलन स्थित शूलिनी मंदिर में भजन कीर्तन से माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि माता शूलिनी के नाम से ही सोलन शहर का नाम पड़ा था। वह यहाँ के लोगों पर माता शूलिनी की पूरी कृपा रहती है। माता शूलिनी को शूल नाशिनी यानी दुखों का संहार करने वाली माता भी कहा जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन अपनी मुराद लेकर आते हैं और वह सच्चे मन से की हुई मुराद अवश्य पूर्ण होती है, ऐसे लोगों की आस्था है। दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर भक्तों ने बताया कि माता शूलिनी में उनकी अपार आस्था है। उन्होंने बताया कि माता रानी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। उन्होंने कहा कि दुर्गाष्टमी पर उन्होंने विधिवत तरीके से माता की पूजा अर्चना आरती कर अपने व परिजनों की खुशहाली की कामना की है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। आज अष्टमी का नवरात्रा है तो हम लोग यहाँ पे माता के दर्शनों के लिए आए थे। हमें शूलिनी माता में बहुत आस्था है, मतलब यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है। ये सोलन का एक प्राचीन मंदिर है जिसमें सभी लोगों की बहुत आस्था है और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ आई यहाँ पे। हम यहाँ के लोकल नहीं हैं, बाहर से आए हैं, तो मतलब यहाँ पे लोगों की आस्था देखते ही बन रही थी। हम यहाँ पे कीर्तन में आए तो मंत्रमुग्ध हो गए बिल्कुल। सो जय माता दी। ये 9 दिन माता का कीर्तन भजन सब होता है यहाँ पर। और ये शूलिनी माता के नाम से ही सोलन का जो है नाम पड़ा है। सोलन वासियों को इस पे बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही आस्था है। हर 9 दिन यहाँ पर पूरे कीर्तन होता है। पूरे जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं और माता को अपना नमन करते हैं और उनसे मर चाहा मन पाते हैं। अष्टमी के दिन माता रानी का कीर्तन होता है। नौमी को यहाँ पर भंडारा लगता है। अष्टमी के दिन यहाँ पर सभी छोटी छोटी कंजकाओं का पूजन होता है उनको। हिमाचल प्रदेश के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।